हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, मैंने इंडोर में काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं और उसी में एक ये भी है जो कि पीस लिली है। तो आज मैं अपने पीस लिली के बारे में आप सभी से कुछ शेयर करने वाली हूँ। कैसे इसके प्लांट को सेव करना है, किस तरह से इसकी केयर करनी है, ये सब हमारी इस वीडियो में है। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर पीस लिली का प्लांट है और मैंने अभी इसे पानी दिया है क्योंकि इसकी मिट्टी ड्राई हो चुकी थी और ये हमारे पोर्च में रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से ये प्लांट चल रहा है और इसे इंडोर लगाना ही चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसमें फूल भी खिलते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं कुछ इस तरह से, और जब इनमें फूल आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। काफ़ी फूल आए और सूख भी चुके हैं क्योंकि इन दिनों धूप तेज़ हो रही है और भले ही ये पोर्च में रखे हुए हैं लेकिन पूरी गर्मी तेज़ पड़ रही है, इसलिए से इसके प्लांट पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है। और मैंने सोचा कि आज इस प्लांट के बारे में आप सभी से शेयर करते हैं ताकि आप भी इसे अपने इंडोर में लगाएं और इसके सुंदर फूलों का आनंद उठाएं। साथ ही साथ ये एक जैसा कि मैंने बताया एयर प्यूरीफायर प्लांट है तो हवा को भी ये शुद्ध करता है, इसलिए से इसे अपने गार्डन में रखना ही चाहिए, यानी अपने घर में रखना ही चाहिए। और मैंने इसके दो पॉट बनाए हुए हैं। जब मैं इसे लेकर आई थी तो ये प्लांट बहुत ही पतला सा था, यानी कि एक प्लांट इसमें था और समर स्टार्ट में मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल करके इसकी जड़ों से प्लांट को डिवाइड करके दूसरे पॉट में लगाया था। इस तरह से इसे बहुत ही ईजली कई प्लांट बना सकते हैं और मैंने दो पॉट बनाए, दो जगह प्लांट इनके लगा दिए और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। एक तो टेरेस पर रखा हुआ है, दूसरा ये पोर्च में रखा हुआ है जिसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इन दिनों इन्हें आप बचाना कैसे है ये भी मैं बता दूं। इनके जो ये सूखे फूल होते हैं, अगर इनमें फूल आ रहे हैं और इस तरह से सूख जा रहे हैं तो इन फूलों को कट करके हटा देना है। फ़िलहाल मैंने सीज़र लिया हुआ है, अभी मैं इसे काट करके हटा देती हूँ। किसी कैंची की मदद से आप इसे काट सकते हैं। इसकी मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, मतलब कि पानी आप देते रहिए इस तरह से कि मिट्टी में नमी बनी हो ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहे। और इसके जो भी पत्ते हैं इनमें थोड़ा सा आप वाटर का शावरिंग करते रहिए। और मैं जब पाइप लगाती हूँ, पानी देती हूँ तो सभी प्लांट्स को धुलती हूँ, और अभी ये पोर्च में रखे हुए हैं तो जब मैंने धुलाई की हुई थी और सभी प्लांट्स पानी डाला हुआ था उस समय हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए से इस पर डस्ट बैठ चुका है। बाकी इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और काफ़ी शाइन करते हैं। तो जब भी आप इसे लाते हैं तो ला करके अच्छी वेल्डेड मिट्टी में ही लगाएं और इसकी आप देखेंगे कि ग्रोथ अच्छी होने लगती है। उस समय आप इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें और समर स्टार्ट में आप इसे, अगर आपका प्लांट घना हो चुका है तो आप इसे निकाल कर जड़ों से कहीं और भी लगा सकते हैं। मेरे टेरेस पर जो रखा है उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें तो हो ही रही है, साथ ही साथ उस प्लांट में भी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें दो प्लांट मैंने लगाए थे और अभी इसमें तीन बन चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहे हैं क्योंकि ये जड़ों से बढ़ते हैं। और जब ये प्लांट और भी घने हो जाएंगे तो मैं अगले सीज़न में इनके और भी डिवाइड करके प्लांट बनाऊँगी। और क्योंकि पीस लिली काफ़ी अच्छा फ्लावर प्लांट है और मैं इसे लगाना अपने यहाँ पसंद करती हूँ, इसलिए से मैं इसका एक प्लांट लाई थी और मैंने अभी इस समय दो जगह लगाया हुआ है। जैसे जैसे इनके प्लांट्स जड़ों से बढ़ेंगे उसी तरह से मैं निकाल करके इन्हें कहीं ना कहीं लगाती रहूँगी। तो बस यही है कि इसको कहीं भी रखें, शेड में रखें। तेज़ धूप में रखने से क्या होता है, इसके फूल भी जल जाते हैं और साथ ही साथ प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ भी बर्न हो जाती हैं। तो इसे छाया में रखिए, ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन की इसे छाया मिले और खुली हवा मिले, वहाँ पर ये अच्छी ग्रोथ करते हैं और इनमें फ्लावरिंग होती है। इस समर में इनमें फूल आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मैंने कई प्लांट अपने रखे हुए हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो इस तरह पीस लिली के फूल होते हैं, ऊपर से ऐसे होते हैं और अंदर से इस तरह से होते हैं। जब इसमें एक साथ तीन चार फूल आते हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और
फिर प्लांट की देखने का वो खूबसूरती बढ़ जाती है, और इसलिए से पीस लिली काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसे आप अपने गार्डन में लगाइए और इसके सुंदर फूलों और सुंदर प्लांट का आनंद उठा सकते हैं। और यही सब मैं करती रहती हूँ और मेरे गार्डन में प्लांट्स चलते रहते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो का एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।